हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय माल्या, आप सभी लोगों का दोस्त। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास एक नया वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैविक कीटनाशक किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, मेरा पिछला एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था जैविक कीटनाशक बनाना। तो दोस्तों, वो वीडियो में क्या हुआ करता था कि दोस्तों, उस वीडियो में थोड़ा समय लगता था। दोस्तों, वो वीडियो में जो कीटनाशक बनाया गया था, उसको बनने में कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता था। उसको आप देख सकते हैं उसमें मैंने किस तरीके से बनाया है, और वो भी बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो वीडियो है, इसमें आप 1 घंटे में अपना कीटनाशक बना के तैयार कर सकते हैं। सारा सामान अगर आपके पास है, तो 1 घंटा या 40 मिनट में आपका पूरा कीटनाशक बन के तैयार हो जाएगा, और आप उसको जा करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी आप सुबह बनाएंगे उसको, शाम करके अपने खेत में शाम के टाइम उसको स्प्रे कर सकते हैं, धूप थोड़ी कम होने पर। और दोस्तों, इसको मैं 2 तरीके से बनाना बताऊँगा, यानी कि कम मात्रा में मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप अपने खेत में डालना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा मात्रा में बना करके डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो बनाना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके जो अन्य किसान भाई दोस्त हैं, वो भी इसको जान सकें, और वो भी ये वीडियो इसी तरीके से वीडियो को देख करके और कीटनाशक बना करके अपने खेत में डाल सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, जो मैंने आज बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि नया वीडियो बनाइए, नया वीडियो बना करके डालिए, थोड़ा सा और जानकारी दीजिए कीटनाशक के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कमेंट कर दिया करिए, अगर कोई भी कमी आपको समझ में आती है वीडियो में, तो वो भी आप मुझे बता दिया करिए कमेंट में, ताकि मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको उसमें सुधार करके आपको नए वीडियो के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकूं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए लेके चलता हूं मैं आपको आज, और टॉपिक के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो ये जो मेरे पास में रखा हुआ है, सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करता हूँ बताना, कहाँ से स्टार्ट करूँगा। नीम से। देखिए, मेन चीज़ हमारी कीटनाशक जैविक बनाने में सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ जो होती है, वो होती है नीम। नीम का उपयोग इतना ज़रूरी होता है, बिना नीम के हम कीटनाशक नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आप सभी लोग नीम के गुणों से वाकिफ़ हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये जो पत्तियों से निकला हुआ डंठल है, पत्तियों की जो डंठल है, ये रखी हुई है मेरे पास। और ये लकड़ी, लकड़ी भी आपको नीम की ले लेनी है, इतनी लकड़ी आपको ये करीब ले लीजिए। और ये पत्तियाँ नीम की। तो दोस्तों, इसकी मात्रा मैं बता दूँ, अगर आपको 1 लीटर कीटनाशक बनाना, जैसे आप गमले में डालने के लिए अपने घर में बना रहे हैं दोस्तों, तो 1 लीटर कीटनाशक आप बना करके उसको लगातार 2-3 बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप खेत में बना रहे थे, उसको 10 लीटर बनाइए दोस्तों, और बाकी आप 20 लीटर उसी हिसाब से बनाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से अपनी मात्रा बढ़ा लीजिए। तो इसको मैं 2 रूप में बताऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं 2 रूप में बताऊंगा। पहला तो 1 लीटर के रूप में बताऊंगा, दूसरा 10 लीटर के रूप में। तो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तो लाइक करिएगा। तो लीजिए, ले चलता हूँ मैं आपको अपने टॉपिक की ओर। देखिए, 1 लीटर बनाना मैं बता रहा हूँ, 1 लीटर के लिए मेरे पास सामान रखा हुआ है। और आप अगर इसको 10 लीटर बनाना चाहेंगे, तो 10 लीटर के लिए आपको सामान जुटाना पड़ेगा, और सामान जुटा करके आप उसको कीटनाशक के रूप में बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, आप नीम लेंगे, तो नीम को लेना कितना, 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम दोस्तों। नीम 1 लीटर के लिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, 300 से 400 ग्राम नीम लेनी है दोस्तों, जिसमें आपकी लकड़ियाँ भी शामिल होगी, नीम की जो जिसमें नीम की पत्तियाँ लगी होती हैं वो डंठल भी रहेंगे दोस्तों, इसमें भी अच्छा खासा नीम का रस होता है। और दोस्तों, ये हो गए नीम के पत्तियाँ, जो कि साफ धुले हुए होने चाहिए धूल दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, और इससे ख़राब पत्तियों को आपको निकाल देना है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं एक और अच्छी पॉइंट, आप देखते होंगे नीम की जो पेड़ी होती है, यानी कि जो नीम का तना होता है दोस्तों, उसमें जो चिपकैल लगी होती है नीम की, अगर आप उनको निकाल करके, जो चिपकैलें होती हैं नीम की, ऐसे पेड़ी होती है, उससे खुरपी से या किसी हथियार से हम निकाल करके उसको, अगर पत्थर में रगड़ करके उसका भी अगर पेस्ट डालते हैं, तो वो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा दोस्तों। वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं लेके नहीं आ पाया। तो दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको भी डाल सकते हैं दोस्तों। अगली जो आपने ध्यान से सुन लिया ना दोस्तों, 300 से 400 ग्राम नीम की पत्तियां, डंठल और ये लच्छा मिला करके, जो लकड़ी पतली वाली है, ये सब कुछ मिला करके 300 से 400 ग्राम होने चाहिए दोस्तों जैविक कीटनाशक बनाने में। थोड़ी मात्रा बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं, घटनी नहीं चाहिए, बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, 300 से 400 ग्राम नीम की पत्तियाँ लेंगे आप 1 लीटर के लिए। और अगर आप 10 लीटर बनाना चाहेंगे दोस्तों, तो उसमें 3 से 4 किलोग्राम पत्तियाँ, लकड़ी, ये सब कुछ मिला करके लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो अगला जो वस्तु है, वो पड़ेगी आपको, ये कनेर रखा हुआ है दोस्तों। ये कनेर की पत्तियां हैं, ये देसी कनेर होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप, ये कनेर है, देसी कनेर होना चाहिए दोस्तों, लाल वाला हो या फिर पीला वाला होना चाहिए, सफ़ेद कनेर आपका काम नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, लाल वाला या पीला वाला कनेर ही होना चाहिए दोस्तों। इसको लेना है आपको 100 ग्राम कनेर, मेरे पास ज़्यादा है लेकिन मैं 100 ग्राम इसको यूज करूँगा।
सौ ग्राम कनेर आपको लेना है इससे दोस्तों। अगर आप 10 लीटर के लिए बना रहे हैं तो आपको लिए ये कनेर 1 किलो लेना पड़ेगा। अगर 10 लीटर आप बना रहे हैं खेत के लिए तो 1 किलो कनार, 1 केजी कनार आपको कनेर की पत्तियाँ लेनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा जो पदार्थ है वो हो गया लहसुन दोस्तों। ये देखिए लहसुन रखा हुआ है मेरे पास, सबसे ख़राब क्वालिटी के लहसुन आप बाज़ार से ले आइए, महंगा खरीदने की जरूरत नहीं। सबसे बेकार वाला जो सबसे रद्दी क्वालिटी के लहसुन वो आप खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। तो जो लहसुन आपको लेनी है 25 ग्राम लहसुन लेनी है, इसको यूज करूँगा अभी तोल करके। 25 ग्राम लहसुन आपका करीब है, 25 ग्राम मेरे पास, ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया है। तो 25 ग्राम लहसुन आपको लेनी है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप 10 लीटर के लिए बना रहे हैं, 10 लीटर के लिए दोस्तों, तो करीब 1 किलोग्राम लहसुन आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिए, 1 किलोग्राम लहसुन अगर आप 10 केजी यानी कि 10 लीटर अगर आप कीटनाशक बना रहे हैं तो आपको 1 किलोग्राम लहसुन इस्तेमाल करना है। लहसुन थोड़े बहुत कम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, आप आधा किलो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है 1 किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो पदार्थ है हमारे पास, आग का पत्ता दोस्तों, लेके चलता हूँ आपको आग के पत्ते की तरफ। ये आग के पत्ते हैं, बंद कर। आग का पत्ता दोस्तों, ये आग का पत्ता आप जानते होंगे, ये सब ये जो लाल वाला अकौड़ा होता है दोस्तों, छोटा वाला, आपको सफ़ेद अकौड़ा नहीं लेना, लाल अकौड़ा आपको लेना है। जो आग होता है, देखिए ध्यान से पत्ता देख लीजिए, इसमें दूध निकलता है तोड़ने पे, यहाँ से देखिए दूध निकलता है ये। तो दोस्तों ये आपको ले लेना है, इसकी मात्रा आपको मैं बता दूँ 200 ग्राम ले लीजिए, 200 से 250 ग्राम इसको लेना है। अगर आप इसको 10 लीटर के लिए बना रहे हैं तो इसको आप 2.5 किलोग्राम लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला जो मेरा पदार्थ है हरी मिर्च दोस्तों, हरी मिर्च, ये मेरी हरी मिर्च रखी हुई है। तो ये हरी मिर्च आपको लेनी है दोस्तों करीब करीब 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं दोस्तों, तो उसमें 100 ग्राम हरी मिर्च ये लेनी है आपको, गीली वाली मिर्ची लेनी है हरी, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत लाल है ये, रख के लाल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है, अभी काम करेगी, यानी कि गीला होना चाहिए, सूखी मिर्च नहीं होनी चाहिए मेरे कहने के, ठीक है दोस्तों, हरी होनी चाहिए। और ये हो गया, और अगर आप 10 लीटर में बनाएंगे दोस्तों तो आपको ये 1 किलोग्राम हरी मिर्च लेनी पड़ेगी दोस्तों। 1 किलोग्राम हरी मिर्च आप 10 लीटर जब बनाएंगे तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ डिटेल, अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप अगर 1 लीटर बनाएंगे तो 100 ग्राम हरी मिर्च लेनी है, 10 लीटर बनाएंगे तो 1 किलोग्राम लेनी है दोस्तों। उसके बाद अगला पदार्थ जो मेरा है, ये देखिए ये रखी हुई है आपके पास, ये मेरे पास तुलसी रखी हुई है दोस्तों, ये हो गई राम तुलसी, ये दोस्तों राम तुलसी, इसकी पत्तियाँ पीली पीली हल्की हल्की सुहा पंखी कलर के हैं दोस्तों, तो ये राम तुलसी हो गई दोस्तों। श्याम तुलसी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी तो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, अगर आपके पास हो काली वाली थोड़ी हल्की जो काली तुलसी तो वो भी आप डाल दीजिए। और ये देखिए रखा हुआ है, तो ये भी तुलसी, ये जंगली तुलसी है दोस्तों, ये दोनों तुलसी हैं इनके, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इधर देख लीजिए, ये जो खाने वाली देसी तुलसी होती घर की, और ये जंगली तुलसी। तो ये दोनों तुलसी, आपको 3 प्रकार की तुलसी डालनी रहती है, लेकिन आप 2 प्रकार की मेरे पास उपलब्ध है, आप तीसरी वाली जो काली कलर की होती गहरी पत्तों वाली वो भी डालिए तो और अच्छा काम करेगी दोस्तों। इनकी मात्रा आप डाल दीजिए करीब करीब 50-50 ग्राम दोनों तुलसी, ठीक है दोस्तों, 50-50 ग्राम आप दोनों से डालना है आपको तौल के, 100-100 ग्राम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुलसी नुकसान बिल्कुल नहीं करती। और दोस्तों ये तुलसी अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो मेरे पास एक आप डिब्बी देख रहे होंगे, इसके बारे में अभी बताऊँगा, थोड़ा पहले आगे बताता हूँ। मेरा अगला पदार्थ है ये, जो अगली पत्तियाँ हैं ये गांजा है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको गांजा बोलते हैं, ये नशीला पदार्थ होता है, इसको धूम्रपान के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए धूम्रपान के लिए, प्रकृति ने हमें इसको इसी लिए दिया है कि इसको आप इस तरीके से यूज करें इन फायदे वाली चीज़ों के लिए, कीटनाशक वगैरह बनाने में और अन्य भी कई कामों में प्रयोग होते हैं दोस्तों, कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो इनको यहाँ पर उपयोग करना चाहिए, इनको धूम्रपान करके अपने शरीर को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, मैं सलाह नहीं देता हूँ, कुछ लोग इसको यूज करते हैं, तो ये इस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे प्रकृति के लिए लाभदायक होगी दोस्तों। तो ये गांजा हो गया दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, इसको भी आप 100 ग्राम ले लीजिए, अगर आप 10 लीटर बना रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर आप इसको 1 किलोग्राम लेंगे। तो दोस्तों और ये पत्तियाँ जो इसकी थी, तो ये आप 1 किलोग्राम या 0.5 किलोग्राम तुलसी लेंगे उसके लिए 10 लीटर के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला जो मेरा पदार्थ है ये हो गया अंडी, अरंड आप जानते होंगे, अरंड को ध्यान से देख लीजिए, पत्ता बहुत अच्छा, सब लोग जानते हैं इसको अरंड, ये देखिए अंडी है, अंडी बोलते हैं हम लोग इसको। तो अरंड की पत्तियाँ भी आपको यहाँ पर 100 ग्राम लेनी है, अगर आप 1 किलोग्राम बना रहे हैं, 1 लीटर कीटनाशक बना रहे हैं घर के लिए गमलों के लिए, और अगर अपने खेत में डालना चाहते हैं तो आप इसको लेंगे डायरेक्ट 1 किलोग्राम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें, मैं बता चुका हूँ आपको 1 किलोग्राम लेनी है, मैं खेत के लिए पूरा बता दे रहा हूँ, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दोस्तों, 1 किलोग्राम अरंड की पत्ती, 1 किलोग्राम कनेर की पत्ती, आप नोट करते जाइए, 1 किलोग्राम अरंड की पत्ती, 1 किलोग्राम कनेर की पत्ती, 0.5 किलोग्राम आपको सब तुलसी मिला करके, जो भी जितनी भी प्रकार की आपके पास तुलसी उपलब्ध हो सारी तुलसी मिला, 5 प्रकार की तुलसी होती है प्रकृति में, 5ों प्रकार की मिली हो आपके पास हो तो डालिए, 3 प्रकार की ज्यादातर मिल जाती हैं तो 3 प्रकार की आप डालिए, 1 किलोग्राम 0.5 किलोग्राम सब पूरी मिला करके आप कर दीजिए।
उसके बाद आपको डालना है ये 4 किलो नीम की पत्तियां, लकड़ी सहित सब कुछ मिला करके, और वो चिपकैलन जो मैंने बताई थी रगड़ करके वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद 1 किलोग्राम मिर्च डालनी है दोस्तों, मैं खेत के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 किलोग्राम गांजा डालना है आपको, 1.5 किलोग्राम करीब या 2.5 किलोग्राम आप इसको आक का पत्ता डालिए, आक आप 2.5 किलोग्राम डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये लहसुन, लहसुन भी आप 1 किलोग्राम नहीं तो कम से कम आधा किलोग्राम डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आधा किलोग्राम बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों कीटनाशक के रूप में। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर गमले के लिए बना रहे हैं आप दोस्तों तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, आप इसको करीब नीम की पत्तियाँ आप 300 से 400 ग्राम लीजिए दोस्तों, लकड़ी और चिपकैल सब कुछ मिला करके, और 100 ग्राम आप ले सकते हैं कनायर ये रखा हुआ है, 100 ग्राम गांजा लीजिए, 250 ग्राम ये लीजिए आक का पत्ता, 100 ग्राम आप ये लीजिए अरंड के पत्ते, 100 ग्राम आप ये लीजिए क्या कहते हैं इसके तुलसी के पत्ते, और दोस्तों 25 ग्राम आप लहसुन लीजिए, और दोस्तों 100 ग्राम मिर्च लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे मिला करके, ठीक है। तो अब ये तो सारी चीज़ों की मैंने मात्रा बहुत अच्छे से और उनको समझा भी दिया इनके बारे में। अब दोस्तों ये डिब्बी के बारे में आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके पास तुलसी उपलब्ध नहीं है, देखिए 1 किलो तुलसी आधा किलो तुलसी लाना बहुत, घर में एक पेड़ होता है ज़्यादातर लोगों के पास, तो उसमें से 1 किलो पत्तियाँ निकालना मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ये श्री तुलसी IMC कंपनी की आती है, बहुत ही बेहतरीन तुलसी है दोस्तों, इतनी अच्छी तुलसी है कि खेतों में तो बहुत ही अच्छा काम करती है, शरीर में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तुलसी होती है, इसका प्रयोग करिए जब भी आप करिए। इसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो 5 प्रकार की तुलसी हैं, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी, वन तुलसी, 5 प्रकार के तुलसियों का अर्क इसमें पड़ा हुआ है दोस्तों। और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, मात्र इसकी कीमत दोस्तों करीब 150 रुपये 155 रुपये की तुलसी हमको मिलती है दोस्तों। और इसका उपयोग अगर आप 10 लीटर की कीटनाशक बनाने में करते हैं तो 1 cc का उपयोग आप 3 बार कर सकते हैं दोस्तों, 3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन उपयोग है इसका दोस्तों। तो इसको इसकी मात्रा 180 मिले तो करीब 3 बार में आप इसका भाग दे दीजिए, करीब 16 या 17 ml आप इसको डाल दीजिए एक बार में दोस्तों, ठीक है, और ये आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक टंकी में आप इसकी 10 बूंदे डालिएगा, 20 बूंदे आप डालिएगा प्रत्येक टंकी में। जब आप 15 लीटर की टंकी में आप इसको डालेंगे तो 20 बूंद इसकी उड़ेल दीजिए, उसमें गबड़ दीजिए, बन गया आपका कीटनाशक। ये तुलसी आप ना डालिए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। और अगर 1 लीटर कीटनाशक आपने बनाया तो उसमें पूरे में इसकी 10 बूंदें डाल दीजिए और आपका काम हो जाए। देखिए ज़्यादा डालने से कोई नुकसान नहीं है, कम डालने से ही दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों ये हो गई सारी बातें, अब आपको मैं बताऊँगा इनको कूट कुचड़ के किस तरीके से बनाना है। तो थोड़े 5 मिनट का वेट करिए, अभी आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है दोस्तों, तो इनको किस तरीके से कूटना कुचड़ना है अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए, ये सारी चीज़ों को मैंने कुचड़ लिया है, कुचड़ने का मतलब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। देखिए ये पत्ता, वो सारी चीज़ें जहाँ थी वैसे की रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गए मेरी मिर्च, ये लहसुन, लहसुन को कुचड़ना बाकी है अभी, और भाई साहब इसको कुचड़ दीजिए थोड़ा सा। और ये हो गया मेरा तुलसी, मेरे सहयोगी मिस्टर मयंक जी अभी इसको कुचड़ेंगे। और ये देखिए हो गया मेरा क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं कनेर, और दोस्तों इसमें डाल के कुचड़ दीजिए, इसमें इसमें डाल करके उसको कुचड़ दीजिए, किसी चीज़ को कुचड़ दीजिए, हाँ ये इसको डालना, ये लहसुन को उसमें डाल करके कुचड़ देना है। तो मेरे सहयोगी मयंक जी अभी इसको करेंगे, और ये देखिए इसको कुचड़ेंगे इसमें डाल करके। तो दोस्तों आगे मैं बता रहा हूँ, तो ये मेरी अरंड की पत्तियाँ हैं, देखिए आप देख लीजिए छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये हो गया मेरा क्या कहते हैं इसको बोला जाता है, सॉरी भूल गया मैं अभी, हाँ आक, आक के पत्ते हैं। और ये मेरा गांजा हो गया, ये मेरी नीम की पत्तियाँ हो गई, देखिए इन्हें सब टुकड़े में कर दिया छोटे छोटे, ये मिर्च हो गया, ये तुलसी हो गई, ये सारी चीज़ों को मैंने, ये दोनों तुलसियों को मैंने मिला दिया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद सारी चीज़ें जब मेरी तैयार हो चुकी हैं तो अब देखिए मैं इनको एक पात्र में डालूंगा। आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप 10 लीटर वाला बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 10 लीटर वाला दोस्तों बना रहे हैं तो सारी चीज़ें जितनी मैंने मात्र 10 लीटर वालों के लिए बताई हैं वीडियो में, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों कोई भी जानकारी अच्छे ढंग से देने में दोस्तों समय तो लगता है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों बताने में। सारी चीज़ें 2 प्रकार तो मैंने बताई हैं दोस्तों, मैंने एक बताया है 1 लीटर और एक बताया है 1 लीटर एक और एक बताया 10 लीटर के लिए। मयंक इन देखो ये सुपर इन लाइन। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ये हो गया मेरा आग का पत्ता, ये हो गए सारी चीज़ें, मैं अब डालूंगा इनको किसमें। देखिए अगर आप 1 लीटर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर 1 लीटर बना रहे हैं तो ये 2 लीटर का दोस्तों, ये
2 लीटर का ये क्या कहते हैं पानी है, ये देखिए पानी बाल्टी में भरा हुआ है, 2 लीटर का पानी भरा हुआ है। दोस्तों हंसी मुझे आ रही है, मेरा सहयोगी मुझे आता है, ये देखिए कर रहा है, मजा आ रही है इसको काम करने में साथ। और दोस्तों ये देखिए 2 लीटर पानी भरा हुआ है, और इसमें करना क्या है दोस्तों आपको, आप देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मेन पॉइंट है, ये देखो कुचड़ दिया गया लहसुन को, इसमें लहसुन डाला जाएगा 2 लीटर पानी में। और अगर आप ये देखिए मेरे सहयोगी अभी इसको लहसुन को इसमें पानी में डालेंगे, डाल दीजिए भाई साहब पानी में डाल दीजिए इसमें, जी बिल्कुल ये देखिए पानी में डाल दिया गया लहसुन दोस्तों। अब इसमें देखिए ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने 10 लीटर बनाने हैं ना दोस्तों तो 20 लीटर पानी लीजिए। इसका जो मात्रा होते हैं दोस्तों आयुर्वेद में, यानी कि आयुर्वेद यानी कि जैविक क्षेत्र में, तो इसका रेशियो होता है 90:10 का, यानी 10 अनुपात में हमारी सारी पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, जो भी हम मिला रहे हैं 10:10 अनुपात में होती हैं, और जो हमारा अदर पानी होता है दोस्तों तो वो 90:90 में होता है। यानी कि अगर हम 100 लीटर बनाना चाहते हैं तो 10 किलो हमारी पत्तियाँ वगैरह होंगी और दोस्तों हमारा 90 लीटर पानी होगा। तो दोस्तों ये एक रेशियो होता है, लेकिन ऐसा बनाने में थोड़ा पात्र ज़्यादा लगता है दोस्तों। ये बनाने का रेशियो ऐसा होता है कि दोस्तों उसके लिए हमें वो पुरानी विधि से बनाना पड़ता है जो मैंने पहले मैंने बताई थी। और दोस्तों ये विधि बहुत बेहतरीन है, इसमें आप देखिए कम पानी में भी बनाएंगे, चूँकि इसको मैं बता रहा हूँ अभी कैसे। देखिए इसमें आप ये डाल दीजिए दोस्तों, अब इसमें हम इसमें तुलसी डालेंगे दोस्तों, डालेंगे तुलसी, ये देखिए हमारे सहयोगी भी इसको उठा के तुलसी को इसमें डाल देंगे दोस्तों, ये देखिए डाल दीजिए दोस्तों। अब ये मेरा कनार डाला जाएगा दोस्तों, इसमें ये कनार बाल्टी उठा लीजिए यहाँ से, ये देखिए, और ये अभी इसमें कनार डालेंगे, इसको उठा करके पूरा कनार इसमें डाल देंगे, ये इसको डाल, इसी तरीके से आपको दोस्तों डालना है सारा। आप बड़ा भगौना ले सकते हैं उसमें डालेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी भगौने में क्यों डालना है, क्योंकि इसको गर्माना पड़ेगा दोस्तों। ये लो उठा लिए, अब ये आप अरंड की पत्तियाँ इसमें डालेंगे दोस्तों, अरंड की पत्तियाँ डाली जाएंगी, ये देखिए ये डाल देंगे दोस्तों। अब इसमें अरंड के साथ साथ में इसमें आग के पत्ते डाले जाएंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक बनता है, ये माहू के लिए बहुत रंगबाज कीटनाशक है दोस्तों। एक बार आप इसको जो पत्ती चूसक रस चूसक जो कीड़ा होता है दोस्तों, उसको मारने के लिए बहुत ज़बरदस्त कीटनाशक बनेगा दोस्तों। ये गांजा उठा करके उसमें डाल दिया जाएगा दोस्तों, ये भी डाल दिया जाएगा, दबा दीजिए उसको पानी में, दबा दीजिए, ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पानी थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आया आपको तो दोस्तों आप बढ़ा लीजिएगा पानी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डूबा होना चाहिए, पूरी पत्तियाँ डूब जानी चाहिए दोस्तों। ये इसमें लकड़ी डाल दीजिए, लकड़ी सारी लकड़ी डाल देंगे दोस्तों, लकड़ी डाल देंगे, पत्तियाँ डाल देंगे दोस्तों, सारी पत्तियाँ डाल देंगे। अब इसमें मिर्ची डाल देंगे दोस्तों, मिर्ची डाल दी जाएगी, ये देखिए दोस्तों मिर्ची डाल दी गई। अब दोस्तों करना क्या, इसको दबा देना है, इसको पानी में दबा देना है दोस्तों इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगली प्रक्रिया करने के। दोस्तों अब मैं चूँकि अपने प्लॉट पे हूँ, यहाँ पर इसको गर्म करने की व्यवस्था नहीं, इसको अभी घर ले जाऊँगा, वहाँ पर इसको गर्माया जाएगा, आग में रखा जाएगा 20 मिनट तक दोस्तों, इसको आपको उबालना है दोस्तों। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो किसी बड़े भगोने में आपको करीब करीब 25 लीटर पानी या 20 लीटर पानी लेना है दोस्तों, अपने पत्तियों के हिसाब से ले लीजिएगा, पत्तियां डूब जानी चाहिए दोस्तों। और जब उबलते 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 आपकी 10 लीटर दोस्तों बचे तो उसको आपको शेष कर लेना दोस्तों, ध्यान से देखिए आधा बचना चाहिए, पूरे पानी का आधा आप जब बचे तो उसको आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद दोस्तों उसको छान लीजिए किसी अच्छे पात्र में, छन्नी से या कपड़े से छानने के बाद वो पानी आप जो शेष बचे तो उसको आप कीटनाशक के रूप में यूज करिए। और दोस्तों ये जो बनाया गया है इसको आपको 20 मिनट तक उबालूंगा मैं अभी घर जा करके, उबालने के बाद इसको छानूंगा, और छान करके जो कीटनाशक बन के तैयार होगा दोस्तों वो एक बेहतरीन कीटनाशक जो कि माहू रस चूसक कीड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों, और उसको आप प्रयोग करिए दोस्तों। और प्रयोग की मात्रा ये होती है, 1 लीटर आप कीटनाशक को 10-15 लीटर की टंकी में दोस्तों डालिए, 1 लीटर कीटनाशक 15 लीटर की टंकी में डाल करके आप इसका छिड़काव अपने खेतों में कर दीजिए दोस्तों। इससे होने वाली सारी समस्याएं आपके खेत में नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी दोस्तों। और अगर आपके पास तुलसी नहीं है दोस्तों वो वाली, तो आप वहाँ पर ये तुलसी प्रयोग कर सकते हैं, ये देखिए तुलसी दोस्तों, IMC कंपनी की तुलसी ही यूज करिए, बहुत ही अच्छी तुलसी होती है दोस्तों, इसका प्रयोग आप करिए, 155 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप नहीं मिल पा रही है आपको कहाँ से लें दोस्तों, तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इसको लेना है दोस्तों, ये आपके पास आ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसको लेने के बाद आप इसको एक टंकी में 10 बूंदें इसकी डाल दीजिएगा दोस्तों, और ये आपकी बन करके तैयार हो जाएगी कीटनाशक। तो दोस्तों इस तरीके से आप बनाइए और इसको यूज करिए दोस्तों, जैविक क्षेत्र से बहुत अच्छा, अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जैविक क्षेत्र से करिए तो आप कीटनाशकों से बच सकेंगे, रासायन मुक्त हो जाएगा हमारा भारत, धीरे धीरे मुक्त करना है दोस्तों। हम इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकृति से रिलेटेड सारी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं,
और उनको रिसाइकिल करके उनका प्रयोग कर लेते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हम लोग दोस्तों, सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम जैविक कीटनाशक बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करिएगा दोस्तों। देख दोस्तों इसको लाइक कर दिया करिए यार, देखो लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और अगर आपको कोई कमी समझ में आती है दोस्तों तो उसको आप क्या करना है ना, आपको दोस्तों उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। कोई भी दिक्कत आपको समझ परेशानी आ रही है, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है तो उसको आप कॉल करके मुझसे पूछिए दोस्तों। मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, बताऊँगा, कमेंट का भी आंसर दूंगा दोस्तों। जब मैं देखता हूँ कमेंट तो उसका आंसर देता हूँ ज़्यादातर। देखिए लगातार देना पॉसिबल नहीं होता है सारी कमेंटों का उत्तर, लेकिन जो जो देने लायक होती हैं उनको ज़रूर देता हूँ। और आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं मुझसे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जान सके दोस्तों को ये कीटनाशक बनाना, ये वीडियो को देख सके। अभी बिल्कुल नया बनाया मैंने। और दोस्तों अगर कोई परेशानी आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। और चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो लास्ट तक देखा करिए कोई भी हो तो, क्या था पूरी जानकारी मिलती है आपको दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी साथ मैं नमस्कार करता हूँ आपको। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, नमस्कार।